क्लोजली, बाजार के सभी लोग वॉच करते हैं, बफेट इंडिकेटर बोलते हैं उसको, लेकिन अदरवाइज वो मार्केट कैप टू जीडीपी के रेशियो को देखता है। कई बार मार्केट कैप वो जीडीपी से बहुत आगे चला जाता है देश की। जैसा हमने देखा था, इंडिया का मार्केट कैप बढ़ गया था बहुत ज़बरदस्त अक्टूबर नवंबर में, करीब 125-30% हो गया था। वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, उसको हम जानते हैं सरल भाषा में, डिम्पी ने ही एनालिसिस किया है। डिम्पी, मार्केट के अंदर जब भी करेक्शन होती है, जब भी एक्स्ट्रॉडनरी एक बढ़त आती है, तो उसमें एक वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और इस वैल्यूएशन को वॉरेन बफे ने बहुत अच्छे से समझाया, और उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला है जिसको हम मार्केट कैप टू जीडीपी देखते हैं, यानी कि जितने आपके शेयर्स की मार्केट कैप है, जितने शेयर्स आपके साथ हैं, और अगर आपके देश की जीडीपी को हम उसके डिवाइडिंग फैक्टर्स बना लें, तो आपको एक वो रेशियो निकल के आएगी जिससे ये पता लग जाएगा कि आपका बाजार फेयर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है कि ओवर वैल्यूएशन है। ये हमने करीब, अगर आप देखेंगे तो करीब 15 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखा है। इसमें दो बड़े मेजर फॉल आए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। पहला जब लीमन्स ब्रदर का फॉल हुआ था, तब मार्केट के अंदर ये अंडर वैल्यूड हो गया था, और उसके बाद से का सडन स्पाइक हमको आता हुआ दिखा, फिर चलता रहा, एवरेज पे मार्केट रहा। और एवरेज जो आप देख पा रहे हैं वही लॉन्ग टर्म एवरेज है 78-79% की, जिसको हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का एक फॉर्मूला कह रहे हैं कि 79% अभी हमारा एक मीन है, एक एवरेज निकलता है। फिर से जब कोविड आया तो उसके अंदर एक फिर से फॉल आया, और उसी 55-56 पॉइंट के हम फिर से एक स्मार्ट पुल बैक हमने आके देखा, जो अब मार्केट कैप टू जीडीपी हो चुका था 115-116। ये तो हाल की करेक्शन थी। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब अंडर वैल्यूड कब ओवर वैल्यूड है, जो दूसरी ग्राफिक्स प्लेट आएगी उसमें आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या अंडर वैल्यूड है। ये हाल की करेक्शन के बाद का मूव आपको स्क्रीन पर देखेगा, आप वही देखिएगा, पुराना चार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो रिसेंटली अभी जो गिरावट आई है, ये आप जो चेंज देख पा रहे हैं, ये रिसेंट गिरावट है जो 116 से अब 98 पे आ चुका है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। किस कंडीशन में, किस पैरामीटर्स में इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक प्लेट आपके सामने और आएगी, उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। टेबुलर प्लेट है, यानी कि रेंज कैसे रहती है, जैसे 50 से अगर 75 के बीच में ये मार्केट कैप टू जीडीपी हो तो इसको अंडर वैल्यू माना जाएगा। अभी हमारा 79 चल रहा है, 75 से 90 के बीच में तो इसको सही वैल्यूएशन मानी जाती है, और अगर 90 से 115 हो तो उसको ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम 79 की एवरेज पर चल रहे हैं, अगर थोड़ा भी बाजार और खिसकता है तो बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे आ जाएगा। हालांकि हम ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है, क्योंकि इस रेंज के हम लोअर पायदान पे चल रहे हैं। तो ये वॉरेन बफे का फॉर्मूला है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जो हमने आपके सामने रखा। ऑलराइट, तो बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। और हम फेयर वैल्यूएशन के पास, जिस तरह से बफेट इंडिकेटर जो डिम्पी हमें इतनी सिंपलीफाइड